की आधा वापसी को प्रार्थना पत्र देकर वोटर सूची के स्थानांतरण हो जाने के संबंध में ग्रामीणों ने बीएलओ पर आरोप लगाते हुए बताया कि वे लोगों का वोटर सूची से वार्ड नंबर 678 को हटाकर 14 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सनोरा में कर दिया गया है, जहां पर छोटे छोटे बच्चों महिलाओं को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। गांव के लोगों ने जिला अधिकारी के पास प्रार्थना के माध्यम से बताया कि वे लोग जहां पहले वोट डालते थे वहीं वोट डालने की अनुमति दी जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे लोग वोटिंग के समय चुनाव का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे। मऊरानीपुर से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। अच्छा, आज आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, आप लोगों की क्या समस्या रही है? हमारे गाँव के 3 वार्ड 6 और 7 जो अमन प्रभाव के वार्ड थे वो सनोरा में जोड़ दिए गए हैं, और सनोरा से 6, 7, 8 वार्डों की दूरी सनोरा में जोड़ने से 14 किलोमीटर बाई रोड पड़ता है। वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग वोट डालने के लिए नहीं जा सकते हैं, चुनाव के टाइम पे साधन भी बंद हो जाते हैं। लिहाजा हमारे जो वार्ड हैं वो ज्यों की त्यों गाँव में ही दरवाजे, हमारे गाँव में ऑलरेडी पूरे बूथ हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 जूनियर स्कूल है। इसके लिए आपने ज्ञापन दिया किसको? अभी हमने इस मामले में प्रज्ञात गाई महोदय को लिख के दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको दुखवाते हैं। इसके पहले आप लोग कहाँ वोट डालने जाते थे? अपने गांव में ही डाला करते थे हम। उनको ऐसा इस बार क्यों कर दिया गया? अब ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जो नई वोटर सूची आई है उसमें सनोरा में नया वार्ड वो पोलिंग बूथ बना दिया गया है और तीनों वार्ड हमारे वार्डों को उसमें जोड़ दिया गया है। कितने किलोमीटर की दूरी पड़ती है आपके यहाँ से वोट डालने में जो बताया गया नया? 14 किलोमीटर बाई रोड और 8 किलोमीटर कच्चे में। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं साहब कि हमारे जो वार्ड गांव में वोट डालते थे वहीं पे डलवाने की व्यवस्था की जाए। किस गांव से आए हैं आप लोग? बाहर से आए हैं। आज आप लोग इतने सारे लोग एकत्र होकर आए हैं यहाँ पर, क्या समस्या रही आपकी? हमारा मतदान स्थल बदल दिया गया है अमनपुरा का। हमारे यहाँ पोलिंग बूथ था और आज भी है, लेकिन वहाँ के मतदाता वार्ड नंबर 6, 7, 8 को काट करके 14 किलोमीटर दूर सनोरा में जोड़ दिया गया है और नया पोलिंग बूथ बना दिया गया है, जिससे हम लोगों को सख्त नुकसान राहत तलपी है। यदि हमारे बूथ पुनः अमनपुरा नहीं किए गए तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे और शासन को भी बता देंगे कि ये राजनीतिक कारणों से ऐसा क्यों होता है, और जो 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 व्यक्ति इसमें दंडित हो उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए। लिस्ट में सर ग्रामीण सर बड़े परेशान हैं सर, नाम कट जाते हैं सर, उन लोगों के जुड़ जाते हैं सर, इससे बड़ी समस्या आ रही है सर। वोटर लिस्ट के संबंध में मुझे ये भी कहना है कि जब वोटर लिस्ट की सूची तैयार हो जाती है उनके अपील के लिए समय भी दिया जाता है, तो अपील की जो समय है या अनापत्ति दर्ज करने का जो समय है, आपत्ति दर्ज करने का जो समय है, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए और अपना जो भी है फॉर्म ज़रूर भरवा के फिर दे दीजिए, हम उसको पुनः परीक्षण कर देंगे।